आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है, बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक नहीं पहुँच रही है, टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का अभाव पाया जाता है, कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है, फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को सही शब्दों के ज़रिए बयां करने का, ये अपने परिवार के लोगों को भी नहीं समझा पाते हैं। इनके खुद के फैमिली के लोग इनको गलत समझ बैठते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन उनके साथ वीक हो जाता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी ठीक ठाक तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है आपका, अपने हितों की रक्षा आप सही से नहीं कर पाते। अंगूठा हल्का सा बैक साइड टिल्टेड है, ज़्यादा नहीं है, इसीलिए आपके दोस्तों की संख्या बहुत अधिक भी नहीं होगी, बहुत कम भी नहीं होगी, मिड में रहने वाली है। हॉटलाइन इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है सटर्न से। पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद। सेल्फिश हैं आप, लेकिन इतना स्वार्थी होना पाल्मिस्ट्री में अच्छा माना जाता है। ऐसे ही लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं। हॉटलाइन आपकी टूट टूट के चल रही है, हॉटलाइन का टूट टूट के चलना अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं झंझट लगी रहती हैं। लाइफलाइन और माइंड लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है, कुछ वक्त तक, ज़्यादा नहीं है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। माइंड लाइन इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का अच्छे से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कॉन्सेंट्रेशन का अभाव इनके अंदर पाया जाता है। आपकी माइंड लाइन एक तो मंगल से इनिशिएट हुई है, दूसरी ये वेव फॉर्म में चल रही है, टूट टूट के चल रही है। माइंड लाइन का मंगल से इनिशिएट होना, वेव फॉर्म में चलना, टूट टूट के चलना, और जब तक ऐसी स्थिति रहती है हथेली में, उस आयु तक आपको कामयाबी आपकी काबिलियत के हिसाब से नहीं मिलती है। आपको सफलता देरी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बीच में आपके लाइफ में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। आपके जीवन में परिवर्तन, पॉजिटिव चेंजेस बहुत बार आने वाले हैं, लेकिन बड़ी सफलता जब आपको लगेगा कि हाँ अब आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको सफलता मिलने लगी है, उसमें थोड़ा लेट है अभी। लेकिन किस आयु में मिलेगी, जब एज वाइज एनालिसिस पे आएंगे तभी आपको बता पाएंगे। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाती हैं, और ये शिफ्ट होता हुआ मून माउंट की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग यदि विदेशी भूमि पर काम करने जाते हैं तो वहीं के होके रह जाते हैं, यानी फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं। ऐसे लोग व्यापार में आए या बिजनेस के क्षेत्र में यदि आना चाहते हैं, सफलता इन्हें अधिक मिलती है। साथ ही ऐसी माइंड लाइन यदि किसी डॉक्टर के हाथ में है तो उनकी ख्याति देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचती है। यदि किसी भी डॉक्टर के हाथ में उनकी लाइफ लाइन गोलाई में विनस माउंट को घेरती है, कोई भी ब्रांचेज इससे नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ एक लाइफ लाइन और विदाउट एनी ब्रांचेस ये सर्कल में विनस माउंट को घेरती हुई दिखाई दे। याद रखिएगा, ऐसे लोगों को सिर्फ उनके देश में ही पहचान मिलती है या जहां वो काम कर रहे होते हैं उस क्षेत्र में। लेकिन जब आपकी लाइफ लाइन आउटर पार्ट की तरफ मूव कर जाती है, आप मेडिकल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा आपको आपके काम की वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पहचान मिलेगी। लेकिन संघर्ष अधिक है आपके जीवन में, सफलता आपको देरी से मिलती हुई दिखाई दे रही है।
लखलाइन आपकी इनिशिएट हुई है मूलमाउंट से, बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। इसके साथ ही सिंगल लखलाइन है और ये भी एक सर्टेन एज के बाद स्टॉप होती हुई दिखाई देती है। कुछ वक्त आपका अच्छा नहीं जाने वाला है, लेकिन इनकम स्टार्ट होगा। किस एज से होगा वो भी जब लखलाइन पे इस वाइज एनालिसिस करेंगे तभी बता पाएंगे। लेकिन सिंगल लखलाइन आपको सिर्फ आपके खर्चे के बराबर पैसे देती है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बचत कर पाते हैं। अच्छी लाइफ स्टाइल या लग्जीरियस लाइफ, अच्छा खासा अमाउंट कमाना तभी पॉसिबल होता है जब आपके हाथ में एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा लखलाइन होते हैं। आपके हाथ में भी दो से ज़्यादा लखलाइन है, उस आयु से आपके इनकम ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही आपको सफलता बड़ी मिलेगी लेकिन देरी से मिलेगी। एक समस्या और भी है आपके हाथ में, एक दो तीन और चार। आपके किसी भी इंसान की हथेली में पांचों में से चार उंगलियों में यदि चक्र के साइन हैं, ऐसे ही लोगों को सफलता काफ़ी देरी से मिलती है, यानी 40 वर्ष की आयु के बाद ही सही मायने में ये सफल हो पाते हैं या इनकी काबिलियत के बराबर इन्हें सफलता मिल पाती है। उससे पहले संघर्ष अधिक देखना होता है। चक्र के साइन पांच उंगलियों में से यदि एक में है शुभ है, दो में है वो भी अति शुभ है, लेकिन तीन में है वो भी ठीक रहता है। उसमें समस्या क्या आती है, आप पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन अपनी गलतियों की वजह से अपने ही जीवन काल में उन पैसों को गवा भी देते हैं। चार की संख्या में आपके हाथ में चक्र के साइन है, हो सकता है पाँचवें में भी हो क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा अंगूठा आपका, लेकिन यदि चार है या उससे ज़्यादा है सफलता मिलेगी, बड़ी मिलेगी, 40 वर्ष की आयु के बाद मिलेगी, ये बताता है चक्र का साइन। लेकिन फिलहाल अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी जब तक एज वाइज एनालिसिस नहीं कर लेते हैं, किसी भी रिजल्ट पे हम पहुंचने वाले नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है फिलहाल अभी। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, ये शिफ्ट होता हुआ राहु की तरफ दिखाई दे रहा है। जुपिटर के माउंट का राहु की तरफ शिफ्ट होना बताता है ऐसे ही लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन कुछ भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। खास करके इनके लाइफ पार्टनर को लगता है आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसी वजह से कनेक्शन वीक रहता है। आपकी आदत क्या होती है, आप अपने लाइफ पार्टनर अपने बच्चों से स्नेह बहुत रखते हैं, प्रेम बहुत करते हैं उन्हें, लेकिन कभी भी इस बात का एहसास उन्हें होने नहीं देते। इस समस्या की वजह से ना ही कभी इस बात की चर्चा उनके सामने करते हैं कि आपने उनकी खुशियों के लिए क्या कुछ किया है, जिस वजह से वो कभी नहीं समझ पाते हैं आपको। पहली रेमेडी यही है, जो भी कीजिए अपने फैमिली के वालों के लिए, अपने अपनी वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए, उनको बताइए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सटन का माउंट यहाँ से हल्का सा दबा हुआ है, सटन का माउंट हल्का सा भी दबा हुआ होता है, ऐसे लोगों के जीवन में कभी ना कभी नहीं लोन की समस्या रहती है। आप कर्ज़ा लेना है गवर्नमेंट से ही लेना है, ये कोई आवश्यक नहीं है। आप किसी इंसान से भी 5 लाख 10 लाख पैसा लेते हैं वो भी कर्जे के तौर पर ही आता है, या किसी प्राइवेट सेक्टर से आप पैसा उठाते हैं। हाँ, लोन की समस्या है, जीवन में कभी ना कभी आपको किसी न किसी से पैसे उधार लेने होंगे। सडन का अमाउंट यदि उभार लिए हुए हैं ये आपको सफल बनाता है, बहुत बड़ी सफलता ये आपको देता है, लेकिन साथ ही ये आपको डिप्रेशन भी देता है। ऐसे लोगों के जीवन में नकारात्मक परिस्थिति जैसे ही आती है इनका दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, इनको लगता है ये समय अब हमेशा के लिए मेरे जीवन में अटक जाएगा, अब मैं इससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊँगा, ये समस्या रहती है। यानी निगेटिव थाट्स ज़्यादा हावी हो जाते हैं आपके ऊपर, और नेगेटिव थॉट्स का हावी होना आपकी आने वाली खुशियों के लिए बाधक बन जाता है। आपको जुपिटर के रेमेडीज करने हैं, जुपिटर जैसे ही पोजीशन पे आएगा ठीक होगा, अपने आप सटर्न भी ठीक हो जाएगा। सन का माउंट हल्का सा दबा हुआ है, मेहनत अधिक करवाएगा, सफलता आपको देरी से देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सन माउंट पर स्क्वायर के साइन कई हैं, इनकम के कई सोर्स होंगे आने वाले टाइम में आपके जीवन में। फिलहाल तो अभी आपके हाथ में नेशनल फेम बना हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है
आने वाले टाइम में, या हो सकता है इंटरनेशनल फेम भी हो लेकिन वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नेशनल फेम काफ़ी बड़ा है, सफलता आपको बड़ी मिलने वाली है। मर्कुरी के माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में स्क्वायर के साइन का होना बताता है आप बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेस मीन्स खुद का आपका क्लिनिक होगा और उसके ज़रिए आपकी कमाई बड़ बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे भी बड़े डॉक्टर्स की प्राइवेट क्लिनिक होती ही है, यदि आप डॉक्टर नहीं होते फिर कोई ना कोई व्यापार आप करते हैं, उस व्यापार के माध्यम से आपको बड़ी सफलता मिलती। वैसे भी मर्क्यूरी के माउंट पे स्क्वायर के साइन का होना आपको बिजनेस में सफलता देता है, यदि आप मेडिकल में हैं आपको डॉक्टर यानी बड़े लेवल का डॉक्टर बनाता है ये आपको, क्योंकि ये मर्क्यूरी के माउंट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और मर्क्यूरी के माउंट रिप्रेजेंट करता है मेडिकल फील्ड को, बिजनेस को, साइंस, वैज्ञानिक जितने भी होते हैं साइंटिस्ट उनकी फील्ड को, और कहीं ना कहीं राजनीति को। मर्क्यूरी का माउंट उन्नत है, अच्छा है, आपका बढ़िया है, ये आपको सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी फील्ड में। आपका बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है। तीन या तीन से अधिक लाइन का आपके मर्क्यूरी के माउंट पे होना आपको मेडिकल के क्षेत्र की तरफ लेके जाता है। साथ ही यदि ये लाइन है लिटिल फिंगर पे, इस लाइन का होना भी रिप्रेजेंट करता है आप ऐसे फील्ड में जाएंगे जहाँ जन कल्याण आपके द्वारा होगा, यानी आप लोगों की सेवा करेंगे, और मेडिकल से बेहतर जन कल्याण का क्षेत्र कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आपके भविष्य में एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनने की संभावनाएं अत्यधिक हैं, लेकिन सफलता से पहले संघर्ष भी बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल फेम भी है आपके हाथ में। इस तरह से कोई भी साइन जिनके भी हाथ में बनती है, आपके मर्क्यूरी के माउंट एक शाखा दे, मर्क्यूरी के माउंट की तरफ एक शाखा देख रही हो लाइन की, मिड में होनी चाहिए ये लाइन, और एक लाइन एक शाखा इसकी सन की तरफ देख रही हो, ऐसे लोगों को पैसा सम्मान दोनों अद्भुत मिलता है। ये साइन बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलता है। आपके हाथ में है लेकिन अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है, हो जाएगा, किस आयु में होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। ट्रायंगल है लेकिन आपके हाथ में मुझे बिग ट्रायंगल की उम्मीद है फिलहाल, अभी या साइन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं क्योंकि बंधन योग अभी जस्ट ख़त्म हुआ है आपका या ख़त्म होने जा रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में रहता है ये कहीं ना कहीं आपकी साइन को भी उभर के सामने आने नहीं देता, लेकिन आभासी तौर पे अगर मैं आंकड़ा बिठाऊं ये ट्रायंगल होगा आने वाले टाइम में कंप्लीट होगा ये इतना, क्योंकि सन माउंट पे जितना बड़ा ट्रायंगल होगा उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। आपके हाथ में आपको सफलता बड़ी मिलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, बट अभी चीज़ें या आपका माइंड लाइन भी सही से वर्क नहीं कर रहा है, उपापो की स्थिति है, मीन्स आप समझ भी खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को। माइंड लाइन जब आपकी स्टेबल या अच्छे से वर्क नहीं करती है ये इंसान को कंफ्यूज कर देती है, इंसान खुद में ही कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या है, लाइफ किस दिशा में जा रही है, एकदम से आपको लगता है कभी कभी चीज़ें ठीक चल रही हैं फिर लगेगा कि नहीं चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, यानी खुद में ही उलझ के रह जाता है। इस वजह से भी साइन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। साइन उन लोगों के हाथ में बचपन से ही काफ़ी स्ट्रांग बने हुए होते हैं जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं या जिनकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होके चलती है, बहुत कम आयु से उनके सभी साइन डेवलप हो जाते हैं। ये होती है सैटर्न की फिंगर, ये होती है रिंग की फिंगर। रिंग की फिंगर और सैटर्न की फिंगर यानी सन की उंगली और शनि की उंगली के मध्य में इस वाली एरिया में, यहाँ पर एक लाइन का होना
पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ऐसे ही लोगों को सफलता कम आयु में मिल जाती है। यदि एक से अधिक दो लाइन है, सफलता मिलेगी लेकिन देरी से मिलेगी। दो लाइन से अधिक है, सफलता बहुत देरी से मिलेगी, लेकिन आपके हाथ में दो लाइन है यानी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है 35 के आसपास से। सभी साइन का अपना अपना मीनिंग होता है। अब मैंने यहाँ पे 35 बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सवाल या क्रॉस क्वेश्चन करें कि आपने तो वहाँ बोला है कि 40। जी हाँ, हर साइन का अपना अपना अलग उम्र होता है, एक एज होता है कि हाँ आपको इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता आपको कब मिलेगी ये आपका लाइफ लाइन बताता है, और ये तभी बताएगा जब एज वाइज एनालिसिस होगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले सिर्फ हम अभी आंकड़ा देख रहे हैं कि हाँ ये साइन है सफलता आपको इस वक्त मिलने वाली है, ये साइन है सफलता आपको उस वक्त मिलने वाली है। लेकिन सफलता कब मिलेगी उसका पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा जब लाइफ लाइन पर आएंगे तब। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल है, पद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अंगूठे का ये वाला सिरा आपका चौड़ा है, ऐसे ही लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है, आपके अंदर भी होगी। इनामास ठीक है आपका, हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन गुस्सा काफ़ी है आपके अंदर, उसको कंट्रोल रखिए, कम कीजिए गुस्सा, क्योंकि जिस फील्ड में आप हैं वहाँ गुस्सा आपको शोभा नहीं देता, यह आपके लिए नहीं बना है। गुस्से में स्थित में इंसान अपनी दिमागी ऊर्जा को ख़त्म कर देता है, अशांत हो जाता है, मन कॉन्सेंट्रेशन वीक हो जाता है। तो गुस्से को आप जितना हो सके उसको कंट्रोल कीजिए, यह आपके अंदर गुस्से को बढ़ावा देता है जब आपका इनर मार्स अत्यधिक उभार ले लेता है। लग्जीरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मूल माउंट आपका बैक साइड मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, सफलता मिल रही है लेकिन देरी से मिल रही है आपको। ऑटोमास ठीक है आपका, बढ़िया है, शानदार है। दोस्त हो या दुश्मन हो, आपके मन में उनके लिए कैसी भावनाएं हैं, या कोई कितना भी क्लोज आपके क्यों ना हो जाए, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स वगैरह बहुत कम किसी के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। आपके मन में किसी के लिए भी क्या फीलिंग है कोई आपके व्यवहार से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, यानी आप अपनी फीलिंग को हाइड करना अच्छे से जानते हैं। ये लूप ऑफ ह्यूमर है आपको, ऐसे लोगों को हंसी मजाक करना अच्छा लगता है। आपके सन माउंट पे स्ट्रॉन्ग या स्टेबल सनलाइन नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं सफलता देता है, बड़ी देता है। याद रखिए स्टेबल सनलाइन नहीं है, एक है, छोटी सी है, लेकिन है। इन लोगों को सफलता मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। 17 में कोई ना कोई चेंज आए आपके जीवन में, 17 में 18.5 में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, 22 के लगभग भी चेंज आया है, और 23.5 में भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 23.5 यानी 24 के आसपास जो भी परिवर्तन आया है उसने आपके जीवन को दिशा दी है। सही, एक काम करते हैं फिर से एक बार इनिशिएट कर लेते हैं इस वाइज एनालिसिस दूसरी पिक में। ये पिक पूरी तरह से क्लियर है, इसमें ज़्यादा अच्छे से इस वाइज एनालिसिस हो पाएगा। अट्ठारह के आसपास यानी 18 ईयर कुछ मंथ जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है।
21-22 में चेंजेस आए हैं, लेकिन 23 से जीवन ने एक नई दिशा पकड़ी है और उसी पर आप आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्वेंटी सिक्स में भी कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 26 में ट्वेंटी एट में कोई ना कोई चेंज आएगा, या तो समस्या या कोई ना कोई इश्यूज। 28 में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा, या तो समस्या आएगा या फिर आपका रिलेशन मीन्स शादी तय होगी आपकी या शादी होगी। 28 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। 31.5 और 32 में लगातार ऑफ शूट हैं। लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं। लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना पॉजिटिव चेंज को शो करता है। कोई अच्छा परिवर्तन उस एज में आपके जीवन में होने जा रहा है। कोई खुशी आपको उस आयु में मिलेगी। 35.5 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, समस्या आते हुए दिखाई दे रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम। 36.5 में ऑफ शूट है, खुशी मिल रही है, जीवन को नई दिशा मिलती हुई 36.5 में दिखाई दे रही है। 38 में भी जीवन को नई दिशा मिल रही है। लाइफ लाइन आपकी आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है, ये लाइफ लाइन यहीं पर स्टॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है और बाहरी दिशा से आपकी नई लाइफ लाइन इनिशिएट हुई है। इस एज में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा जिससे आपके जीवन में इनकम, आपका रहन सहन पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। 36.5 से या 36 के आसपास से पहले की लाइफ को यदि हम मार्क करते हैं, 10 में से आउट ऑफ 10 हम आपको देना चाहेंगे 5 या 6 मैक्सिमम, लेकिन इसके बाद 7 या 8, यानी 2% इंक्रीमेंट दिखाता हुआ, यानी लाइफ में इंक्रीमेंट, यानी आप अच्छे पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये लाइफ लाइन बता रही है। इससे भी बेहतर स्थिति में मूव करते हुए, पहले तो 41 के आसपास कोई ना कोई इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, समस्या आती हुई दिखाई दे रही है 41 के आसपास, और उसके बाद 42 में बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा चेंज है, आपके जीवन को एकदम से बदल के रख देने वाला ये चेंज होगा। 42 में जो भी चेंज आएगा, जैसा भी चेंज आएगा, एक मिनट, मुझे लग रहा है 38 का चेंज ये है, ये 42 में इश्यूज आते हुए देख रहे हैं, समस्या आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन 41 में, माफ़ कीजिएगा, और यहाँ जो भी चेंज आ रहा है इसने आपके जीवन को, यानी 42 में जैसा भी चेंज आ रहा है इसने आपके जीवन को बड़ी दिशा दी है और आपका लेवल पहले से कई गुना ज़्यादा हो गया है। इससे पहले यदि आपके लाइफ को हम मार्क करते हैं 7, इसमें 10/10, यानी इतना ज़्यादा अंतर आ गया है। अब आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, स्टेबिलिटी आ गई है, तरक्की पे तरक्की मिलती चली जाएगी आगे आपको, और लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अब आपके पाम को एनालिसिस करने के बाद मुझे यही फील हो रहा है कि 42 से आपकी ख्याति विश्व स्तरीय होगी, यानी इंटरनेशनल फेम आपको 42 से मिलने जा रहा है। 42 से लेकर के 54 तक लगातार ऑफ शूट हैं, कहीं भी एक पॉइंट पर भी इश्यूज आते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ तक कि कोई कोई पॉइंट ऐसा भी है जहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो ब्रांचेस निकल रहे हैं दोनों साइड से लाइफ लाइन के। आपके जीवन का या आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है 42 से। 42 से आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी और आपने जितने भी उम्मीदें अपने जीवन से रखी हैं उससे कहीं ज़्यादा उपलब्धि आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन आपका भविष्य काफ़ी ब्राइट है, लेकिन हाँ, अभी संघर्ष का टाइम है, अभी सफलता आपको उस हिसाब से मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आप बहुत सफल होंगे। आपकी लक लाइन भी यही बता रही है। एक लक लाइन आपकी 36 के आसपास इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है,
जो अच्छे से मूव कर रही है, और दूसरी लक लाइन आपकी ये भी 36 के आसपास से ही इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये अच्छे से मूव नहीं कर पा रही है, और इसका मूव करना इनिशिएट हुआ है सही तरीके से 42 के लगभग से, यानी 42 से आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी दो दो लक लाइन वो भी अच्छी वाली इनिशिएट हो रही है। इसके साथ ही उसके बाद तकरीबन 49 के आसपास से आपकी तीन लक लाइन इनिशिएट हो जाएगी, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसे यदि आपके हाथ हथेली को पहली नज़र में देख करके किसी भी पामिस्ट को, जिसको पामिस्ट्री का ज्ञान है, अगर बताने के लिए कहा जाए एक शब्द में, कहा वो कह देंगे कि नहीं, कोई सफलता नहीं है, आपको सफलता नहीं मिल सकती है, संघर्ष बहुत है। लेकिन जब डीप एनालिसिस होती है किसी चीज़ की, आप अच्छे से एनालाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, हाथ को पढ़ते हैं, फिर आपको पता चलता है दूर से देखने में और नज़दीक से चीज़ों को समझने में बहुत अंतर है। दूर से भले आपकी हथेली काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं लगती, ऐसा नहीं लगता है आपको बहुत बड़ी ख्याति मिलेगी, लेकिन हाँ, आपकी लाइफलाइन को स्टडी करने के बाद या आपके हाथ में मौजूद कुछ चीज़ों को जानने के बाद ये समझ में आ गया कि हाँ, आप अपने जीवन में सफल तो बहुत होंगे लेकिन संघर्ष भी बहुत करना है। सफलता देरी से मिल रही है, 42 से मिल रही है, लेकिन इतनी बड़ी सफलता इससे पहले भी, ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में 42 से पहले कुछ है ही नहीं अच्छा, अच्छा है। आपके जीवन में 36 में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा वो भी। अगर इतनी बड़ी सफलता आगे हो तो फिर ठीक है, फिर 35 तक अगर किसी को भी संघर्ष करना पड़े तो उसमें कोई इंसान को दुख नहीं होना चाहिए, आगे सफलता बहुत है, इसीलिए यूनिवर्स ने इनिशियल लाइफ में ही आपको संघर्ष करवा दिया। आज संघर्ष में कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से आपकी लाइफ रुक सी गई है, अच्छे फील्ड में हैं आप, कैसे ना कैसे करके आप कट ही जाएगी ज़िंदगी। वैसे भी 28 में आपकी शादी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, अगर शादी आपकी हो चुकी है तो फिर तो अलग मैटर है, फिर 28 में इशूज़ आएगा, लेकिन शादी होने के चांसेस लग रहे हैं 28 में। परिवर्तन तो 26 में भी दिख रहा है, देखिए दो जगह पे, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो दो जगह पे मुझे शंका है, एक तो 26½ और दूसरा 28 शादी होने के। अब न्यूमरोलॉजी की तरफ चलते हैं, फिर आपके सवालों का जवाब देंगे। आपका मूलांक 8, भाग्यांक 4 है। भाग्यांक 4 के ग्रह स्वामी राहु हैं, राहु के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं, काम के प्रति समर्पित होते हैं, मेहनत और लगन के दम पर किसी भी फील्ड में आप लोग बड़ा नाम कमाते हैं, डिस्कशन में आपसे जीत पाना असंभव है, गुस्सा बहुत जल्द आपको आता है, किसी भी काम को धीमी रफ्तार से करने की आपकी आदत होती है, जल्दबाजी या हड़बड़ाहट आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपको सलाह है, किसी भी अजनबी लोगों पर आप यकीन मत कीजिएगा, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, जितना हो सके उन लोगों से आप दूरी बना के रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं नंबर 8 की। आपके नंबर 8 के होने, यानी आपका मूलांक 8 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका भी मूलांक 8 होगा उनको सेम रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं, ये मंथ के साथ चेंजेस आते हैं। आप जिस मंथ से बिलोंग कर रहे हैं उस मंथ में आपका नंबर 8 मूलांक आता है, ये सिर्फ आपके लिए है, या उस मंथ में मूलांक 8 यानी 17, 8, 26, यानी होता है इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो जाता है, 17, 8, 26, इस डेट को जो भी पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए उस मंथ में ये है। आपके फेवर वाले ग्रह का नाम है मर्क्यूरी और सैटर्न। मर्क्यूरी आपके फेवर में रहा इसलिए आपने मेडिकल का फील्ड चूज़ किया, बिल्कुल सही किया। सैटर्न आपके कारक ग्रह हैं क्योंकि नंबर 8 आपको बिलोंग कर रहा है। नंबर 8 जब भी आपको बिलोंग करता है, शनि की चाल बहुत धीमी होती है, पहली चीज़ आप समझ लीजिए, आपको सफलता देता है लेकिन धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि अचानक से आप बहुत बड़े पद पे चले गए, अचानक से चीज़ें बदल गई, नहीं, अचानक कुछ नहीं होता है। हाँ, अचानक से चीज़ें बदलती हैं जब आपको राहु या केतु आप रूल कर रहा होता है, ऐसे आपके हाथ में राहु का भी है क्योंकि नंबर 4 से आप रूल हो रहे हैं, लेकिन सटन अभी हावी हो गया है क्योंकि वो मूलांक है आपका। धीमी गति से ये सफलता देता है, ईमानदार होते हैं ऐसे लोग, अगर आपको जज बनाया जाए और आपके दुश्मन
और आपके दोस्त सामने खड़े हों, आपको ये लग गया कि दुश्मन आपका सही जा रहा है और दोस्त आपके सही नहीं है किसी भी मैटर को लेके, उस वक्त फैसला सुनाते टाइम आप नहीं सोचेंगे कि भाई ये मेरा दोस्त है तो मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए। आप वही फैसला सुनाएंगे जो आपको सही लगेगा। ये नंबर 8 के गुण होते हैं। समस्या क्या आती है, यदि आपका कर्मा सही नहीं है फिर नंबर 8 आपको तरक्की नहीं देता है। नंबर 8 से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए सिर्फ दो ही धारा होती है, दो ही किनारा होता है इनके पास। डूबना नहीं है, या नदी पे आप बीच में खड़े हैं, एक तरफ अपार सफलता है, एक तरफ कुछ भी नहीं है, विफलता ही विफलता है। सटन यानी शनि जब आपको रूल करता है, या तो आप बहुत ज़्यादा सफल होते हैं या आप बिल्कुल भी सफल नहीं होते हैं। मध्यम या बीच का मार्ग यहाँ पे कुछ नहीं है, अति सफल या अति विफल, यहाँ पे दो ही मार्ग आपके पास होता है। यदि आप फैमिली इश्यूज में फंस के रह गए फिर आप अति विफल हो जाएंगे। इसीलिए जिनको भी सटर्न रूल करता है उनको फैमिली पॉलिटिक्स से बाहर निकल करके चीज़ों को देखना चाहिए और अपनी फ्यूचर को बनाने पे फोकस करना चाहिए। आपको किसी पर भी यकीन नहीं करना है, कानूनी मामलों को लेकर के समस्या आ सकती है जीवन में। कोई ना कोई प्लानिंग के तहत आपको फंसा सकता है कानूनी मामलों में, यानी पॉलिटिक्स के तहत, या आपको परायों पे यकीन नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखिए। आपके छुपे हुए शत्रुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी आपके जीवन में। आपको हानि पहुंचाने के लिए वो हमेशा मौके की तलाश में होंगे, कब आप मौका दें ताकि वो आपको हानि पहुंचा पाए। यहाँ तक कि आपके मुंह पर वो अच्छा अच्छा बोलेंगे लेकिन पीठ पीछे आपको नीचे गिराने के लिए प्लानिंग करते रहेंगे। इसीलिए किसी पर भी आंख बंद करके यकीन मत कीजिएगा। और आपके रिश्तेदार भी आपका भला नहीं चाहते हैं, उनके अंदर भी आपकी असफलता की कामना होती है, वो भी चाहते हैं कि आप असफल हो जाएं। ये प्रॉब्लम होती है, इसके लिए आप किसी भी इंसान को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ये प्रकृति की देन है। इसीलिए किसी को टारगेट मत कीजिएगा, ये इश्यूज़ रहता है नंबर 8 और जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं उस मंथ के नंबर 8 के को लेकर के। आप लोग किसी भी विचारधारा में बंद के रहने वालों में से नहीं आते हैं। आपका मानना होता है कि इंसानों को का चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग रिचुअल्स क्यों ना हो, रीति रिवाज क्यों ना हो, चेंजेस आते रहने चाहिए। अपनी सुविधा के हिसाब से आप संस्कृति में बदलाव लाना पसंद करते हैं। धन के मामले में आपको सावधानी बरतनी है। आप धन जमा कर सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, आपका पैसे के प्रति आकर्षण कम होता है। आपको लगता है ठीक है, मतलब ऐसे ही आपकी हॉटलाइन बता रही है कि आप पैसे के मामले में काफ़ी, मतलब पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन नंबर 8 के से बिलोंग होने की वजह से उसके उस गुण में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। पैसे के महत्व को समझिएगा, पैसा है आपके पास, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए आप उससे बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए पैसे के महत्व को कभी भी कम होने मत दीजिएगा। नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 1 सब ठीक है आपके लिए, कोई भी नंबर बुरा नहीं है, लेकिन खुद के ही नंबर से आपको सावधान रहना है। जैसे नंबर 8 हो गया और 4 हो गया, कोई भी काम आपको करना है इन नंबर से दूरी बना के रखनी है। ये दोनों नंबर आपके लिए खासकर शुभ नहीं रहने वाला है। गहरे काले रंग के कपड़ों से बचिए, गहरे रंगों के कपड़ों को नहीं पहनना है, यानी गहरे रंग का इस्तेमाल आपको अपने जीवन में नहीं करना है, चाहे वो काला हो, नीला हो, पीला हो, हल्के रंग के कपड़े पहनिए, आपके लिए सही रहेगा। काला हीरा यदि आप धारण करना चाहें तो कर लीजिए, सिर्फ ये ब्लैक है ये शुभ फल देगा आपको, ये शनि के दुष्प्रभाव को थोड़ा कम कर देगा। देखिए शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, शनि आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बस प्रवृत्ति है थोड़ा सख्त हो गया है आपकी तरफ, या जिस भी जातक का जन्म उस माह में हुआ है उनके तरफ, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आगे चल करके, क्योंकि आपके हाथ में सक्सेस बहुत ज़्यादा है और आपका काम ही जन कल्याण का है। यदि आप जन कल्याण करते हैं फिर जितनी भी इसकी कमियां होती हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो खुद ब खुद शॉर्ट आउट हो जाती हैं, दिक्कत नहीं है। आपका काम ही आपके सभी समस्याओं को का समाधान कर देगा। अब आपके सवालों का जवाब दे, आपको मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। आपकी हथेली को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है आप सर्जन से कहीं ज़्यादा मेडिसिन के डॉक्टर अच्छे बनेंगे।
साइड बिजनेस कुछ नहीं सोचना है आपको फिलहाल साइड बिजनेस का, आप मेडिकल पर ही फोकस रखिए क्योंकि आपका हाथ है उस तरह का और आपको सपोर्ट मिलता हुआ इस फील्ड की तरफ से दिख रहा है। अभी आपका ध्यान भटक रहा है क्योंकि आपकी माइंडलाइन सही से वर्क नहीं कर रही है, टूट टूट के चल रही है। ये इंसान के सोच को स्टेबल होने नहीं देता है। आप एकदम से फिक्स्ड कर लीजिए दिमाग को, आपके पास सिर्फ एक रास्ता है मेडिकल, आपको इसी में अच्छा करना है। शादी होगी आपकी 26 एंड हाफ या 28, इन दोनों में मुझे आपकी शादी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दोनों शादी आपकी पसंद से ही होगी। लव मैरिज के चांसेस ऐसा नहीं है कि आप कहीं किसी को पसंद करके लेके आए और उनसे आपकी शादी हुई, ऐसा नहीं है। आपकी फैमिली की भी पसंद होगी उसमें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपको फैमिली के खिलाफ जा कर के कुछ भी करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। लुक वाइज आपकी लाइफ पार्टनर देखने में अच्छी होंगी लेकिन डोमिनेटिंग होगी थोड़ी सी। हाँ, विदेश में जाकर के रहने का मौका कई बार मिलेगा आपको, फॉरेन सेटलमेंट भी है आपके हाथ में। विदेशी भूमि आपके लिए सही रहेगा लेकिन बड़ा चांस, बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में 42 में आता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश में जाकर के बसने के चांस आपको 42 के आसपास मिलने वाले हैं। खुद का घर या आपके पास पैसे की कमी होगी कहाँ, 36 के बाद से चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी, किसी भी चीज़ की कमी आपको होगी नहीं। लेकिन फिलहाल अभी का दौर सही नहीं है और साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी पर भी यकीन मत कीजिएगा, कोई भी हो, किसी पर भी नहीं। एंड आज के लिए बस इतना ही। मुझे ऐसा लगा था यहाँ पर ट्रायंगल कंप्लीट है या यहाँ पर स्टार का साइन है लेकिन नहीं, इल्यूजन है। अभी स्टार का साइन कंप्लीट हुआ नहीं है, बना ही नहीं है और ट्रायंगल भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।